कहां से मिला तुम्हें बुलेट? अयान, दिशा को कहां से मिला वो लेटर? हाँ, बड़े पापा वो हाँ वो करण अंकल ने दिया मुझे वो लेटर। और नाना जी, मुझे पापा का फोन भी आया था, उन्होंने मुझे कहा कि वो हमें मोहल्ले में मिलेंगे। लेकिन जब वो मोहल्ले में थे तो वो वहां नहीं थे। जी 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 जी, उस आदमी में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज तो है ही नहीं। तुम लोगों को वहां मिलने के लिए बुलाता और खुद ही नहीं आता, और इतनी लापरवाही अपने ही बच्चों के साथ। और उसने तुम लोगों को मोहल्ले में क्यों बुलाया, जबकि वो अच्छी तरह जानता है कि तुम लोग यहां रहते हो, तो उसे यहां आना चाहिए ना। नाना जी, हम अपने पापा से मिलना चाहते हैं, प्लीज उनके बारे में पता कीजिए ना, प्लीज। हाँ नाना जी, प्लीज उनके बारे में पता कीजिए ना। मैं कोशिश करता हूं राम के बारे में पता लगाने का। अब यहां खड़े रहने का कोई फायदा तो है नहीं, चलो अंदर सोचेंगे क्या करना है। आओ। अचानक राम सर को हुआ क्या? आए क्यों नहीं वो? आखिर कहां गए वो? मैं अनु के बच्चों को वो सब कुछ देना चाहता हूं जो मैं अनु को नहीं दे पाया। अगर आप मेरे बच्चों को वाकई खुश रख सकते हैं तो शायद ये सही है। I'm sorry, अनु, जो भी कर रहा हूं बच्चों के लिए ही कर रहा हूं। आई होप कि तुम गुस्सा नहीं हो मेरे फैसले से। आप ऊपर देखे क्या बात कर रहे हैं? मैं जवाब देती हूँ आपके सवालों का। आपकी अनु ना जरूर आपसे गुस्सा होती, और क्यों नहीं होगी गुस्सा? आप अपने दिल से पूछिए, आपका दिल आपको बताएगा कि आप बिल्कुल गलत हैं। आपने जो कुछ भी किया बहुत 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 गलत किया। अरे, कोई भी माँ अपने बच्चों को अपने बाप से दूर होते हुए देख सकती है क्या? बरका, तुम नहीं समझोगी, यही मेरे बच्चों के लिए अच्छा है। मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा मेरे बच्चों को, मिस्टर कपूर उनको सब कुछ दे पाएंगे, इससे ज्यादा अच्छा मेरे बच्चों के लिए और कुछ नहीं। ये सही नहीं है राम, वो मिस्टर कपूर ब्रेन वॉश करना चाह रहे हैं, वो ये सबको समझाना चाह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर अ लूजर। लेकिन ये बात सच नहीं है, और ये बात आप भी जानते हैं। क्या गलत कहा है उन्होंने? बताओ मुझे, मिस्टर कपूर ने क्या गलत कहा है? कुछ ब्रेन वॉश नहीं कर रहे हैं वो। आई एम अ लूजर, कुछ नहीं कर सका हूं मैं अपनी जिंदगी के साथ। मेरे बेटे ने एक छोटी सी गेम मांगी थी मेरे से, छोटी सी गेम, 16,000 की, उतनी औकात नहीं है मेरी। मैं बाप हूं उनका, यू स्टे आउट ऑफ इट। से पापा का फोन ट्राई कर रही हूँ, हर बार अनरीचेबल ही आ रहा है। बेटा, मैंने राम को हर जगह ढूंढने की कोशिश की, जहां जहां उसके जाने की उम्मीद हो सकती थी वहां पर। बाटले वाला और मोहल्ले वाले भी इंतजार कर रहे थे उसका, बट पता नहीं कहां चला गया राम। वैसे तुम टेंशन मत लो, जैसे कुछ पता चलता है ना मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है बेटा? थैंक यू अंकल।
चले गए मेरे पापा। निशा जी रिलैक्स, आपके पापा मिल जाएंगे। मुझे पता है पापा मुझसे गुस्सा है, उनकी बेटी होकर मैंने उन पर भरोसा नहीं किया। हर बार मैंने उनकी बेइज्जती की। इसलिए शायद छोड़कर चले गए मुझे। मेरे पापा मुझसे मिलना ही नहीं चाहते, नहीं मिलना चाहते वो मुझसे। ईशा जी ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो आपके पापा बार बार मुझे आपको लेने के लिए क्यों भेजते? देखिए दिशा जी, इतना मुश्किल वक्त निकल गया तो ये वक्त भी निकल जाएगा और आराम से मिल जाएंगे, ट्रस्ट मी। एक्चुअली मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूं कि जब आप अपने पापा से मिलेंगी तब क्या होगा, जो तो सोच सोच के डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? नहीं वो ऐसे मोमेंट पे लड़कियां बहुत इमोशनल हो जाती हैं, तो आंसुओं की गंगा जमुना बहाने लगती है। और आप भी तो लड़की है, तो आप जब अपने पापा से मिलो ना तो प्लीज रोना मत, और अगर रोना आ भी जाए तो रोते रोते बोलना मत और बोलते बोलते रोना मत। क्योंकि क्या है ना, वो लड़कियां जब बोलते बोलते रोती हैं तो उनकी उनकी शक्ल ना खराब हो जाती है और सामने वाले की हंसी छूट जाती है। तो प्लीज नो रोना नो बोलना टुगेदर, ओके? और वैसे भी पुष्पा जी, आई मीन दिशा जी, आई हेट टीयर्स। थैंक यू आयान। थैंक यू किस लिए? मेरे पापा का साथ देने के लिए, जब पूरी दुनिया, जब खुद उनके बच्चों ने उनका साथ छोड़ दिया था, तुमने उनका हाथ था। नाना जी के खिलाफ जाकर इतना बड़ा रिस्क लेके कौन करता है आजकल की दुनिया में किसी के लिए इतना? I'm really sorry कि मैंने तुम्हें गलत सोचा। You're a nice guy. What? Nice guy? आपने मुझे नाइस गाय कहा? ऋतिक रोशन को। दिशा, दिशा, अभी अभी मेरी बात हुई है इंस्पेक्टर से और बहुत जल्द हमें राम के बारे में पता चल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों कुछ भूल नहीं रहे? सोचो भाई सोचो। अरे आज आरू का बर्थडे है। ओह नो, मैं तो भूल ही गई थी। देखो घड़ी, 12 बजने वाले हैं। सिर्फ 5 मिनट बाकी है 12 बजने में, मैं आरू को विश कर देती हूँ। चलो भाई, हम क्या वेट कर रहे हैं, कम।
अभी तक तुम्हारे घर पर है वो? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। और हाँ, उसे भी पता है ना कि तुम कौन हो। सर आपको तो पता है ना मैं कौन हूं। अगर उसे अमित के बारे में पता चल गया तो क्या फर्क पड़ता है सर? और वैसे भी वो अमित के बारे में जानता है, लेकिन उसे मेरे और अमित के बारे में कौन बताएगा? ऐसी बातें छिपती नहीं है बरखा। देखिए सर, मैं ये सब कुछ अमित के लिए कर रही हूँ। मैं राम को इसलिए मदद कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है राम को मदद करके अमित के कुछ पाप है वो शायद धुल जाए और उसे प्रायश्चित करने का मौका मिल जाए सर। वो बात तो ठीक है, पर ये बात अमित समझेगा क्या? तुम्हारी राम को मदद करने वाली बात क्या अमित के सामने काम आएगी? मैं तो ये पूछता हूँ तुमसे कि आखिर ये सब तुम क्यों कर रही हो? तुम्हारी खुद की परेशानियां पहली बहुत ज्यादा हैं और ऊपर से ये राम, अरे छोड़ो, जाने दो उसे अपनी दुनिया में। कैसे जाने दो सर? उसका कोई नहीं है सर, उसकी बीवी तक मर गई है और उसके बच्चे उससे दूर हो गए। अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा सर? एनीवे, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। आयान, दिशा और आरू के लिए उनके नाना के घर ये पहला सेलिब्रेशन होगा। And I want you to make it memorable। मैं चाहता हूं कि बर्थडे की जितनी प्रेपरेशन है वो तुम खुद करो और कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मुझे अपने बच्चों से अलग पर। राम, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे थे? मुझे तो हार्ट अटैक आ गया। ठीक तो हो? बुरा सपना देखा मैंने। बरखा, मैंने जो किया वो मेरा फैसला गलत तो नहीं है? नहीं राम, तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, बिल्कुल गलत किया है सब कुछ। नहीं, तुम्हारे बच्चे तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम उनसे बहुत प्यार करते हो, व्हाट इज द पॉइंट? तुम उनसे अलग क्यों हो? तुम्हें उनके साथ होना चाहिए। अरे जब बाप जिंदा है तो बच्चों को बाप का प्यार क्यों ना मिले? तुम चलो, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे बच्चों के पास लेकर चलती हूं। चलो। नहीं, मैंने जो किया बिल्कुल सही है, मैं जानता हूं कि वो सही है। राम, जब तुम्हें सब कुछ पता ही है, सारे सवालों के जवाब तुम्हारे पास है ही, तो फिर मुझे क्यों पूछ रहे हो तुम? Happy birthday!
दीदी। फूड या केक काटो। Happy birthday, Aru! Happy birthday to you, my darling! Happy birthday, Aru! Thank you, Nanu! Thank you, Ayaan bhaiya! Ye dekho, ye dekho! Wow! भैया आप आनंद कपूर के ग्रैंडसन जो हैं, कोई मजाक थोड़ी ना है। हमने ये स्पेशली आपके लिए छपा है। और मैं तो भूल गया था कि आप कितने रिच हैं। देखो दीदी, न्यूज़पेपर वाले भी मेरा बर्थडे मना रहे हैं। क्या बात है? अरे ये तो कुछ भी नहीं है आरू बेटे, शाम को देखना कितने धूमधाम से हम तुम्हारी बर्थडे मनाएंगे। I love you. मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगा। पर क्यों? बिना पापा के मैं अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करूंगा। आरू, बर्थडे ना साल में एक बार आता है और बर्थडे वाले दिन अपसेट नहीं होना चाहिए, है ना? बड़े पापा ने कितनी सारी प्रिपरेशंस किए तुम्हारे लिए, सब लोग कितना एक्साइटेड है, सब लोगों का मूड ऑफ हो जाएगा ना। पर बिना पापा के मैं ये बर्थडे नहीं मनाऊंगा। अयान भैया, पापा को मेरा बर्थडे याद होगा ना? हाँ बिल्कुल याद होगा, और नहीं याद होगा तो ये देखकर तो याद आ ही जाएगा। वैसे पापा ने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि वो मेरे बर्थडे को जरूर आएंगे। नानू, मेरे पापा आएंगे ना? हाँ बिल्कुल जरूर आएगा राम, जरूर आएगा बेटा। वो आज आरफ का बर्थडे है। क्या बर्थडे? क्या बोल रहे हो? एक मिनट, किसका बर्थडे आज? दिखा ना। अरे वाह, आरू का बर्थडे, कितना अच्छा लग रहा है। कंग्रेचुलेशंस, हैप्पी बर्थडे पापा। आपको तो बर्थडे पार्टी पे जाना ही चाहिए। क्या हुआ ना, तुम्हें भी ना किसी भी बात से खुशी नहीं मिलती, अब मुंह लटक क्यों गया? मैंने आरिफ को प्रॉमिस दिया था कि मैं उसके जन्मदिन पर जरूर आऊंगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा प्रॉमिस है, तुम्हें उसके बर्थडे पे जाना ही चाहिए। कैसे जा सकता? मैंने मिस्टर कपूर को प्रॉमिस किया है कि मैं अपने बच्चों के सामने अब कभी नहीं आऊंगा। राम, मतलब तुम्हारे लिए मिस्टर कपूर को जो प्रॉमिस किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आरू को जो प्रॉमिस किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना? आरू को कैसे लगेगा कि उसकी बर्थडे पार्टी पे उसके पापा नहीं आए? अरे उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही होगा कि उसकी बर्थडे पार्टी पे उसके पापा आए, और क्या? तुम आरू का दिल दुखाओगे, उसका प्रॉमिस तोड़ दोगे? नहीं, कभी भी नहीं।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.